आज हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज डिप्रेशन पे, किस तरह होती है, किस तरह ह्यूमन की ब्रेन को और उसके बॉडी को इफेक्ट करती है। अच्छा डॉक्टर फैसल, सबसे पहला सवाल, ओल्ड एज है क्या चीज़, किस वजह से होती है, और फिर इसके डिप्रेशन के ऊपर आएंगे। देखिए, उसके डिफरेंट क्राइटेरिया हैं ओल्ड एज को। एक जो मैं कॉमनली यूज़ करता हूँ, जो एडोलेसेंट्स है वो तो टीन एज होती है, 13 to 19 ईयर्स। उससे पहले चिल्ड्रन होते हैं, फिर एडोलेसेंस आती है टिल 19, फिर अर्ली अडल्टहुड आती है, फिर लेट अडल्टहुड टिल 45। ये सारा यंग एज है। फिर 45 to 65 इज़ मिडल एज, एंड 65 ऑनवर्ड्स इज़ ओल्ड एज, एंड 90 प्लस इज़ वेरी ओल्ड। अच्छा, जो डिप्रेशन की हम बात स्पेसिफिकली अगर ओल्ड एज से करें तो कौन सी डिप्रेशन है या किस तरह से जो वो लिंक्ड होती है स्पेसिफिकली ओल्ड एज में, और हर ओल्ड एज का जो ओल्ड एज में चला जाता है उसको डिप्रेशन होती है? जी, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि आमतौर पे कंसिडर किया जाता है कि जैसे जैसे इंसान ओल्ड एज की तरफ जाता है, बुढ़ापे की तरफ जाता है, तो उसकी मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है, या वो ग्रम्पी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है, नॉट एवरी पर्सन हु ग्रोज ओल्ड डिवेलप्स डिप्रेशन, लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे लोग हैं जो बुढ़ापे में डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जो अनरिकग्नाइज जाती है, जो कि अनट्रीटेड जाती है, जबकि इसका इलाज मौजूद है। पर आई थिंक इसका ताल्लुक ज़्यादातर आपके लाइफस्टाइल से भी होता है कि कितना हेल्दी या अनहेल्दी रहा है। कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक्स भी हो सकते हैं। अगर मेरी फैमिली में डिप्रेशन की हिस्ट्री पॉजिटिव है ओल्ड एज में, पहले किसी को अगर डिप्रेशन हुआ है फैमिली में, प्लस अगर मेरी पास्ट हिस्ट्री पॉजिटिव है, मुझे जवानी में या मिडिल एज में भी डिप्रेशन हो चुकी है, अच्छा, तब ओल्ड एज में रिस्क बढ़ जाता है। तीसरी चीज़, फिज़िकल इलनेसेस जैसे डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंशन की अद्वियात हैं, या और हार्ट डिजीज़ हैं, या फालिज है, अगर इस किस्म के फिज़िकल इलनेसेस हैं तो ओल्ड एज में डिप्रेशन होने का रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो, रिस्क बढ़ जाता है। और फिर जो आप बात कर रही हैं, जो सोशल फैक्टर्स हैं, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है लोनलीनेस। अगर अकेलापन है, कोई पर्पज़ नहीं लाइफ का समझ आता, आपको मीनिंग नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि ये वो एज होती है जो पोस्ट रिटायरमेंट होती है। 60 तक तो इंसान बहुत एक्टिव होता है, प्रोडक्टिव होता है, बट इमीडिएटली आफ्टर 60 आपका रोल चेंज होता है, बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, आपको अपनी लाइफ को रीडिफाइन करना पड़ता है, कि पर्पज़ आपको एक नया ज़िंदगी में लाना पड़ता है। सो वो एक एडिशनल वजह हो सकती है लोनलीनेस या लॉस ऑफ पर्पस, जो इंसान को डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकता है। अच्छा, अब ओल्ड एज की हम क्योंकि बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड डिप्रेशन की, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आती है बिकॉज ऑफ दिस, ब्रेन के अंदर भी और बॉडी दोनों में, मतलब फिजिकल भी और मेंटल, हम दोनों अगर बात करें तो? देखें, वक्त के साथ साथ जो ब्रेन के रिजर्वॉयर्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो तो कम होते जाते हैं। आपकी जिस तरह फिज़िकल हेल्थ है, उसी तरह मेंटल हेल्थ भी वक्त के साथ साथ डिटेरियोरेशन की तरफ जा रही होती है। माइंड स्लो हो जाता है, डिसीजन मेकिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, आपके इंसान इतने रिस्क नहीं ले पाता, थोड़ा सा किसी हद तक जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है, लेकिन सब में नहीं। ये मैं नॉर्मल एजिंग की बात कर रहा हूँ। जो बाकी आपके जो बॉडी फैट है वो मुतासिर होती है, आपकी जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो मुतासिर होते हैं, फिज़िकल इलनेसेस शुरू हो जाती हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़, फिर आप उसकी मेडिसिंस ले रहे होते हैं, उनके अपने इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, माइंड पे। सो इसलिए एक जनरल डिटेरियोरेशन तो हेल्थ की चल रही होती है। अच्छा, अब एक और चीज़ यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है पूछना, कि डिप्रेशन जो है वो ओल्ड एज से ही इतना ज़्यादा लिंक क्यों की जाती है, क्योंकि आपने जैसे कहा था कि डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकती है, राइट, किसी भी एज ग्रुप को भी हो सकती है और उसके वेरियस रीजंस होते हैं। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ओल्ड एज की, तो उससे ज़्यादातर क्यों इसको लिंक किया जाता है? देखिए, आज क्योंकि हम स्पेसिफिकली आज बात ओल्ड एज डिप्रेशन की कर रहे हैं, बेसिकली जो उसके सिम्टम्स होते हैं वो तो वही होते हैं जो बाकी एजेस में आपको मिलते हैं, जिसमें लो मूड हो सकता है, उदासी, खुशी महसूस ना होना, रोना आना, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा हो जाना, मायूसी के ख्यालात, अपनी कोई वर्थ महसूस ना करना, बेचैनी या घबराहट बहुत ज़्यादा होना, नींद के मसाइल, भूख के मसाइल, याददाश्त के मसाइल, ये सारे ओल्ड एज में भी डिप्रेशन में यही सिम्टम्स आते हैं। लेकिन थोड़ा
डिफरेंट प्रेजेंटेशन हो सकती है, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है अगर ओल्ड एज में डिप्रेशन हो, इंसान चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इरिटेबिलिटी काफ़ी आ जाती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है, साथ में और फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, विजन इम्पेयर हो रही होती है, हेयरिंग जो है वो कमज़ोर होती जाती है, उससे मज़ीद मामलात कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। नींद के मसाइल बहुत कॉमन है ओल्ड एज में। यस, नींद की रिक्वायरमेंट, उसकी ड्यूरेशन कम हो जाती है, लेकिन अगर डिप्रेशन मुझे साथ में हो जाए फिर तो नींद वाज़े तौर पे इफ़ेक्ट हो जाती, हो सकता है बिल्कुल नींद ना आए, राइट, या सोने के बावजूद जो बूढ़े लोग हैं वो बताएं कि हम फ्रेश महसूस नहीं करते, मुझे तो नींद ही नहीं आती, सोने के बावजूद मुझे लगता है कि मैं सोया नहीं। ठीक है, अच्छा कॉजेज की तरफ अगर थोड़ा सा हम जाएँ तो ओल्ड एज में डिप्रेशन के कॉजेज देखें, एक तो सबसे बड़ा जेनेटिक अगर फैमिली में है, उसके अलावा फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे वो थायराइड एक ग्लैंड होता है उसके प्रॉब्लम्स, या खून की कमी है, एनीमिया, या डिफरेंट ड्रग्स जो दी जा रही होती हैं उसमें जो हाइपरटेंशन के लिए अद्वियात दी जाती हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स एक ख़ास ग्रुप है जो डिप्रेशन कॉज कर सकता है, अगर स्टेरॉइड्स मिल रहे हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए दिए जाते हैं वो डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं, अगर हेपेटाइटिस हो गया है, इंटरफेरॉन्स अगर इंसान को मिल रहे हैं वो डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये तो फिज़िकल डिजीज़ेस और ड्रग्स हैं, और उसके अलावा जो हमने बात की है, जो लोनलीनेस एक बड़ा फैक्टर है, लॉस ऑफ सेल्फ इस्टीम, इज़्ज़त नफ्स कम हो जाती है, मायूसी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं लोग, बेचारगी का एहसास होना शुरू हो जाता है, सो ये जब फीलिंग्स बढ़ती जाती हैं तब इंसान डिप्रेशन की तरफ जाता है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर हम मैनेजमेंट की तरफ आए, डिप्रेशन जब ओल्ड एज में आती है, अब एक तो ये कि जब ओल्ड एज में यूजली बंदा आता है तो ज़्यादातर वो चिड़चिड़ा वैसे भी होता है, अब हर बार तो इसको डिप्रेशन से नहीं कनेक्ट किया जा सकता या लिंक किया जा सकता, मैनेज कैसे किया जा सकता है इस स्टेज के ऊपर आके जब बंदा एजड भी हो गया है, चिड़चिड़ा भी वैसे है और भी दूसरी उसको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है लाइफ की, तो उसको जब डिप्रेशन आ रहा है तो उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? देखिए, एक चीज़ तो जहन में रखें कि आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम क्लिनिकल डिप्रेशन की कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम एक बीमारी के तौर पर देख रहे हैं। ऑब्वियसली जो नॉर्मल एजिंग है ये भी मिसकंसेप्शन है कि ओल्ड एज में आके सभी इंसान इरिटेबल हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। येस, शोर को बर्दाश्त करने की, स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की, अनसर्टेनिटी बेयकीनी को बर्दाश्त करने की सलाहियत कम हो जाती है, लेकिन कुछ लोग बुढ़ापे में बहुत अच्छे तरीके से वो एज करते हैं, वो हो सकता है जो उनके लाइफ भर का एक्सपीरियंस है उसको वो बरूएकार लाते हुए स्ट्रेस का बेहतर मुकाबला करते हैं, दूसरों के लिए गाइडेंस का बाइस बनते हैं, डिफरेंट जो बाकी लोग हैं वो उनसे मशवरा ले सकते हैं, सो वो अपने इमोशंस को, अपने स्ट्रेसर्स को बहुत अच्छा मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन हाँ, कई दफ़ा ऐसा होता है ड्यू टू फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़, ड्यू टू मेंटल हेल्थ इश्यूज़, इंसान क्लिनिकल डिप्रेशन जो बीमारी है उसका शिकार हो जाता है, और उसमें येस, ये चिड़चिड़ापन बहुत बढ़ जाता है, याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। मैं आजकल एक पेशेंट देख रहा हूँ, उनके 20 साल की हिस्ट्री है डिप्रेशन की, वो ट्रीटमेंट लेती रही हैं, लेकिन अब वो स्टेज आई है जब उनकी डिप्रेशन शदीद नौयत की हो गई है, जिसको हम सिवियर डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब ये डिप्रेशन इस हद तक उनकी पहुंच गई है कि वो अपने आप को मारने की कोशिश करती हैं, अपना गला दबाने की कोशिश करती हैं, अपनी आँखें नोचने की कोशिश करती हैं, वो कहती हैं मुझे जहर दे दो, मुझे लाइटर ला दो, मैं अपने आप को जला लूँगी। नाउ शी इज़ अराउंड 68-69 ईयर्स ऑफ एज। अब ये जो डिप्रेशन है इसको हम एजिटेटेड डिप्रेशन कहते हैं, जिसमें इंसान में बहुत ज़्यादा एजिटेशन, एग्रेशन आ जाती है। अब ये आम डिप्रेशन जिसको आम इस्तलाह में यूज़ किया जाता है ये वो नहीं है, इट्स अ डिसऑर्डर, इट्स अ डिजीज़ विच रिक्वायर्स ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली उसकी ट्रीटमेंट ड्रग्स भी होती हैं, उसकी ट्रीटमेंट ECT जो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी है वो भी एक तरीका इलाज है। अच्छा, अब अगर जैसे भी आपने एक पेशेंट का केस दिया, अगर ओल्ड एज के अंदर डिप्रेशन को ट्रीट ना किया जाए या सही से ना किया जाए तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं या नहीं? बिल्कुल हो सकती हैं। देखिए, ओल्ड एज में फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ तो चल रहे होते हैं, अगर मुझे डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, डिप्रेशन की वजह से
मेरा जो शुगर का कंट्रोल है वो पुअर होगा, शुगर लेवल्स में बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगी, जहाँ एक दवाई से मेरी शुगर कंट्रोल हो सकती है, अगर मुझे डिप्रेशन भी है हो सकता है मुझे दो दवाइयाँ लेनी पड़ें, तीन लेनी पड़ें। सो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक़ है। मुझे हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, डिप्रेशन की वजह से मेरी हाइपरटेंशन बढ़ जाएगी, बीपी शूट कर जाएगा। साथ में ये है कि मेरे हार्ट पे इफ़ेक्ट पड़ता है, जिन लोगों को डिप्रेशन होती है उनमें हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है, जिन लोगों को डिप्रेशन होती है उनमें स्ट्रोक यानी फालिज होने का रिस्क बढ़ जाता है, जिन लोगों का दिल का ऑपरेशन हुआ हो, बाईपास हुआ हो, उनमें तो बहुत ज़रूरी है कि साथ साथ स्ट्रेस को, डिप्रेशन को देखा जाए, उसका ट्रीटमेंट किया जाए ताकि फ्यूचर अटैक्स को बचाया जा सके। अच्छा, अब डॉक्टर फैज़ साहब बात अभी तक करें कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी आ सकती है, थोड़ा सा ट्रीटमेंट की तरफ अब जाते हैं, ट्रीट कैसे किया जा सकता है, स्पेसिफिकली ओल्ड एज की डिप्रेशन को हम बात करें और किस तरीके से, जैसे आपने अभी अब तक पेशेंट का बताया तो कैसे ट्रीट कैसे करते हैं? देखिए, अगर तो डिप्रेशन माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेट टू सिवियर डिग्री की है तो उसमें तो आप ड्रग्स के ज़रिए, काउंसलिंग के ज़रिए मैनेज करते हैं। अच्छा, नींद की अद्वियात, बेंजोडाइजेपिन्स बिल्कुल नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो कन्फ्यूजन करती हैं, वो उससे इंसान को चक्कर आ सकते हैं, वो गिर सकते हैं, मज़ीद कोई फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो इलाज है वो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, और एंटी डिप्रेसेंट्स में भी जो ग्रुप है वो SSRIs हैं जो कि ओल्ड एज में सेफ़ हैं, वो दी जा सकती हैं, सिर्फ एक गोली लेनी होती है सुबह नाश्ते के बाद, मिनिमल उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लो डोज से हम शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते हैं, इससे इंसान की जो इरिटेबिलिटी है कम होती है, जो मूड है वो नॉर्मल स्टेट में वापस आता है, स्लीप के प्रॉब्लम्स ख़त्म होते हैं, एपेटाइट यानी भूख बेहतर होती है क्योंकि डिप्रेशन की वजह से इंसान की भूख ख़त्म हो जाती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता मेमोरी उसकी फिर बेहतर होती है। सो एक तो ड्रग ट्रीटमेंट है जो केस मैंने डिस्कस किया था। अब ये जो नौयत है ये सिवियर डिप्रेशन है या जिसको हम एजिटेटेड या साइकोटिक डिप्रेशन भी कह सकते हैं। अच्छा, अब इस स्टेट में जहाँ पे इंसान को सुसाइड के ख्याल आ रहे हों, और ये भी जहन में रखें कि ओल्ड एज में सुसाइड यानी ख़ुदकुशी के ख्यालात आना या ख़ुदकुशी करना भी बड़ा कॉमन है। अच्छा, और कई लोग ऐसे हैं जो डिप्रेशन की वजह से बुढ़ापे में अपनी जान ले लेते हैं। सो ये जो केस मैं डिस्कस कर रहा था इसमें जो क्लिनिकल इंडिकेशन है वो है ECT, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, जो कि ख़ास तरीका इलाज है जो कि बेहोश करके जनरल एनेस्थीजिया में किया जाता है। एक मशीन होती है जिसके ज़रिए आपके ब्रेन को स्टिमुलेट किया जाता है, क्योंकि दवाई अगर आप देंगे उसको 2-3 वीक्स लग जाते हैं असर करने में, लेकिन इस इलाज के ज़रिए विद इन फ्यू डेज़ इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि पेशेंट जो उसकी सुसाइडल थॉट्स हैं, ख़ुदकुशी के ख्यालात हैं, वो ख़त्म होते हैं, एनर्जी वापस आती है, जो डिप्रेशन है मूड की वो बेहतर होना शुरू होती है। जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाता है फिर उसको जो एंटी डिप्रेसन मेडिसिन हैं वो फिर शुरू करवाई जाती हैं। अच्छा, एड्रेस कैसे किया जा सकता है, बिकॉज यूजुअली मेंटल इलनेस जितनी भी हैं पाकिस्तान में या बाहर वर्ल्ड को इतना ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया जाता या उसको एड्रेस सही तरह नहीं किया जाता, कोई प्रॉपर चैनल नहीं है। ओल्ड एज के हम डिप्रेशन की अगर बात करें स्पेसिफिकली, इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, फैमिली जो है वो कैसे हेल्प कर सकती है ऐसे बंदे की जो ओल्ड एज के अंदर भी है और उसको डिप्रेशन है? आई थिंक बहुत रेजिस्टेंस होता है, आप खुद ही इमेजिन कर लें, अगर फादर फिगर हैं या इवन मदर हैं, उनको इस बात पे कन्विंस करना कि ये इट कुड बी डिप्रेशन, शायद आपको डिप्रेशन हो गया है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, डॉक्टर के पास चलना चाहिए, रेजिस्टेंस आता है बहुत ज़्यादा, डिनाइल आता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये थोड़ा सा है, थोड़े दिनों की बात है, मैं ठीक हो जाऊँगा। लेकिन आप वक्त के साथ साथ एज़ केयर टेकर्स या फिर एज़ चिल्ड्रन आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है और ये बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाए जो सपोर्टिव हो या उनको बताया जाए आपको नींद के मसाइल हैं, इसके लिए हेल्प ले लेनी चाहिए, भूख कम हो गई है या याददाश्त कमज़ोर हो रही है, एक दफ़ा डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए, या आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही, हो सकता है इसकी वजह कोई स्ट्रेस भी हो, तो अगर ऐसी लैंग्वेज यूज़ की जाए जिससे वो थ्रेटन फील ना करें,
क्योंकि डिप्रेशन से एकदम ये फीलिंग आती है ना कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे ईमान की कमज़ोरी है या मेरी अपनी हिम्मत ख़त्म हो गई है, तो ये चीज़ इंसान के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल, दैट वाज अगेन हेल्पफुल। मेंटल हेल्थ पे हम बात कर रहे थे कि ओल्ड एज के अंदर जो है वो डिप्रेशन जो है उसके असरात बॉडी पे कैसे होते हैं, आपके डेली डे टू डे वर्क के अंदर रूटीन में कैसे होते हैं और कितने इसके साइड इफेक्ट्स किस तरह से हैं और उसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। आप हमें लिख सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं या कोई भी क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, खुदा हाफिज़।